हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक न्यू स्टॉक की, जिसका नाम है केपीआर मिल लिमिटेड। टेक्सटाइल कंपनी का स्टॉक है ये, और हम इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्टस के बारे में आज बात करेंगे और बताएंगे कि स्टॉक क्या क्या बनाता है, ये कंपनी क्या क्या बनाती है। और चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि मेरे इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें और मेरी हर वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें, जिससे कि मुझको पता लगे कि हाँ आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं केपीआर मिल लिमिटेड। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कंपनी क्या है, अबाउट द कंपनी। केपीआर मिल लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिसके डाइवर्सिफाइड बिजनेस है और यार्न, फैब्रिक्स, गारमेंट्स एंड वाइट क्रिस्टल सुगर, ये चार कंपनी के कारोबार हैं। 40 साल से कंपनी टेक्सटाइल मार्केट में है, टेक्सटाइल बिजनेस में है। मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है, रेडीमेड नेटेड अपैरल भी मैन्युफैक्चर करती है। मैं आपको बता देता हूँ इनकी ब्रांड का नाम, इनकी जो ब्रांड है जिससे इन्होंने अभी न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, फैसो फैशन रिटेल के नाम से इनकी ब्रांड है, इनके प्रोडक्ट्स लॉन्च हैं इसमें फैसो में। ये 100% ऑर्गेनिक इनरवेयर एंड एथलीजर, सेम यही प्रोडक्ट्स, इस टाइप के प्रोडक्ट्स जो है पेज इंडस्ट्री भी बनाती है। पेज इंडस्ट्री जॉकी बनाती है और जॉकी के नाम से उसके प्रोडक्ट आते हैं, और फैसो के नाम से केपीआर मिल के प्रोडक्ट्स आते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स केपीआर मिल बना रही है, 100% ऑर्गेनिक है। आप यहां से बाय भी कर सकते हैं, ब्रीफ्स, ट्रंक्स, टी स्ट्रैक, एथलेदर शॉर्ट्स, मास्क, ये सारे प्रोडक्ट्स केपीआर मिल बना रही है गारमेंट्स में। एंड ये इनके प्रोडक्ट्स हैं, यार्न बनाती है, फैब्रिक बनाती है, गारमेंट प्रोडक्ट्स बनाती है एंड शुगर, चीनी का भी केपीआर मिल का काम है। तो कंपनी को क्यों लेना चाहिए, ये प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, तो इसके शेयर को क्यों लेना चाहिए, आइए मैं उसके बारे में आपको इनके बता देता हूं। इनकी ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है केपीआर मिल की Q3 2021 की। तो इनके जो फ्यूचर एक्सपेंशन है वो मैं आपको बता देता हूं। ये तमिलनाडु में इनके ये सारे के सारे प्लांट्स हैं, जिसमें ये स्पिनिंग कॉम्पैक्ट पीसी मिलेंज कलर में लेंज एंड गारमेंटिंग इथियोपिया में भी है, कर्नाटक में भी है, इस तरीके के इनके ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये इनकी कैपेसिटी है, गारमेंट्स की कैपेसिटी, प्रोसेसिंग, विंडमिल्स, शुगर। ओवरव्यू में आप एक बार देख लीजिए, वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्लेयर विद प्रेजेंस अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन फ्रॉम फाइबर टू फैशन, रॉ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, विंड प्रोजेक्ट एंड कोजन प्लांट फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। रिटेल सेगमेंट में फैसो इन्होंने एक न्यू स्टार्ट किया है, 100% ऑर्गेनिक कॉटन मेंस इनर वियर, स्पोर्ट्स वियर एंड एथलीट एंड लार्ज एक्सपोर्ट एक्टिविटी एस्टेब्लिश द कंपनी एट सिंगापुर। कंपनी के जो फ्यूचर प्लान्स हैं, प्रेजेंस में ये हैं, 37% इनका जो रेवेन्यू है वो यार्न से आता है, 9% का रेवेन्यू इनका फैब्रिक से आता है एंड फैसो भी इन्होंने अभी स्टार्ट जो किया है, 40% जो इनका रेवेन्यू है वो निटेड गारमेंट से आता है। डोमेस्टिक सेल्स इनकी 65% एंड एक्सपोर्ट करते हैं 35%। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है कंपनी के, रिजोर्स वर्क, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस,
ग्रोथ इनिशिएटिव है कंपनी। मैं आपको अभी इनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में बता देता हूं। अभी हाल ही में इन्होंने 2020 में नेटेड फैसिलिटी ऑफ 30,000 मैट्रिक टन एंड करूं मथामा पट्टी में बनाई है। 2020 में वोटेक्स डिस्कोर्स यान कैपेसिटी इन्होंने अभी लॉन्च की है नीलांबर में। रेवेन्यू देखिए ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर। ज्योग्राफिकल तो अभी कंपनी जो है आगे ये देखिए मैं आपको बता देता हूं। द कंपनी वाज प्लानिंग टू एक्सपेंड इट्स गारमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी। इट वाज लुकिंग एट इंडिया एंड इथियोपिया वेयर टू इट हैड अ प्रोडक्शन फैसिलिटी। फाइनली इट डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन इंडिया। ही सेड द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एट द न्यू प्लांट विल बी रैम्प्ड अप ग्रेजुअली। धीरे 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 ये अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को और एक्सपेंड कर रहे हैं। दिसंबर की न्यूज है। कोयंबटूर बेस्ड केपीआर मिल विल इन्वेस्ट 250 करोड़ दिस फाइनेंशियल ईयर टू क्रिएट ए न्यू गारमेंट प्रोडक्शन फैसिलिटी। एंड सेकेंड न्यूज जो है सेकेंड न्यूज मैं आपको बता देता हूँ। KPR mill clocked the highest operating margin 90% compared to its peer Arvind and Gokaldas. And the main growth driver jo hai KPR mill ke vertically integration hai company, higher share from garmenting, new ethanol facility, shift of base from China to India, favorable government पॉलिसीज। तो ये फाइव जो की फैक्टर्स हैं वो कंपनी के लिए काफी अच्छे साबित हो रहे हैं। यहां पे इन्होंने बताया है कंट्रीब्यूशन ऑफ गारमेंट इन रेवेन्यू हैज ग्रोन अप 43% इन FY 2020 फ्रॉम 23% से 2015 से। KPR मिल हैज स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल 55 टॉप इंटरनेशनल ब्रांड इंक्लूडेड H&M, Tesco, Decathlon, etc. With a robust balance sheet, good corporate governance, and strong growth prospects, KPR is one of the best place in the textile space. KPR mill setting up garmenting factory near Coimbatore, October 2020 में ये भी न्यूज आई है। तो फैसो से मैं आपको इसलिए इसको अटैच कर रहा हूं कि आप देखिए पेज इंडस्ट्री आप देखिए पेज इंडस्ट्री का शेयर देखिए। पेज इंडस्ट्री ने जॉकी लॉन्च किया था ये देखिए आपसे इनके प्रोडक्ट्स काफी सेल आउट हुए हैं। इसी की तरह ही KPR मिल ने फैसो लॉन्च किया है सेम जैसा मुझे लगता है। तो धीरे 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 ये कंपनी बहुत ही ज्यादा ग्रो करेगी इटालियन बाई हार्ट। ये देखो ये आपके ये पेज इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं पेज इंडस्ट्री लिमिटेड। और सिमिलर प्रोडक्ट्स ही फैसो के हैं। अब ये धीरे धीरे और इसमें एड ऑन करें अपने न्यू प्रोडक्ट। तो मुझे लगता है जिस तरीके से ग्राफ पेज इंडस्ट्री का गया है ऊपर KPR मिल का भी जाना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस शेयर को आपको लेना चाहिए। देखिए शेयर क्या गजब का शेयर है या अच्छे तरीके से ये बढ़ा है। चार्ट बहुत ही अच्छा चार्ट है इसका हाई के आसपास ही है अभी।
मैं आपको इनके पीयर्स से कंपैरिजन इसका दिखा देता हूं। डिविडेंड, डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही सॉलिड डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है, हर साल देते हैं। स्प्लिट एक बार हो चुका है 2016 में। नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट ग्रो ही किया है। केपीआई में आरओई देखिए, आरओई 20 है इसकी, केपीआई ऑन पेज इंडस्ट्री की 41, और सबकी आरओई इससे कम है। तो इस वजह से केपीआर मिल को मैंने रिकमेंड किया है कि ये स्टॉक बहुत आगे तक जा सकता है, और फिलहाल के लिए इसके जो अभी टारगेट आ रहे हैं ब्रोकर्स 1200 का इसका टारगेट दे रहे हैं, और अभी 1030 पर शेयर ट्रेड कर रहा है, तो यहां से भी काफी अच्छी गुंजाइश है इसके आगे बढ़ने की। और जिस तरीके से मैं देख रहा हूं, ये शेयर 1500 से 1800 रुपए के बीच में नेक्स्ट टू क्वार्टर्स में जाना चाहिए। दोस्तों आप भी एक बार जरूर केपीआर मिल के बारे में देखिए, सर्च कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे जरूर अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। पोर्टफोलियो स्टॉक है क्योंकि इसमें आगे काफी प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन को जो एक्सपेंड जो कर रहे हैं ये, उसमें काफी अच्छी इनकी ग्रोथ फैक्टर्स हैं एंड मैनेजमेंट काफी अच्छा है। तो आप एक बार जरूर इसको देखें और मेरे को जरूर बताएं कि आपको ये मेरा स्टॉक कैसा लगा, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।